किसान भाइयों नमस्कार। हम लोग फिर एक गुलाब के एक और बाग में आए हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि एक दो गुलाब के पौधे ही शेष रह गए हैं और किसानों को इस गुलाब की खेती और इस गुलाब के व्यवसाय से बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनको पौधे तक को काटने पड़ गए हैं। यहाँ पर कुछ पौधे हैं जो शेष रह गए हैं, जैसे कि आप ये देखिए थोड़ी सी इस पौधे में जान है। और इन सब का कारण ये है कि पुष्प की डिमांड बढ़ती चली जा रही है और किसान जो है पुष्प की तादाद को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट तरीके का अपना रहा है, जिससे कि उसे ज़्यादा पैदावार मिले। और उसका कारण होता है डीएपी यूरिया, और डीएपी यूरिया और पेस्टिसाइड्स के कारण मिट्टी जो है उसकी पोषकता ख़त्म हो गई है, उत्पादकता ख़त्म हो गई है। अगर किसान यहाँ जैविक विधि से अपने उत्पाद को बढ़ाना चाहे तो मैं उनको रिकमेंडेड करना चाहूँगा कि वेस्टिस कंपनी, जो भारत की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो जैविक विधि से बहुत शानदार काम कर रही है और उसने तमाम बहुत सारे अच्छे रिजल्ट भी दिए हुए हैं, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं गूगल में, तो वहाँ पर गुलाबों के लिए आप कुछ चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और वो प्रयोग है आपका एग्रीमोस, एग्री 82 और ह्यूमिक। ये तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं उनके पास जैविक में जो इनके पौधकता और उत्पादकता को बढ़ा सकता है। थैंक यू, शुक्रिया।